जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बीच बेहरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें लश्कर के दो आतंकी ढेर हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया गया है। ग्वालियर पहुंचे श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत ऋतुगोपाल दास ने शुक्रवार को कहा कि 6 महीने में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से वार्ताकारों ने बातचीत की। 3 बार मुलाकात होने के बाद भी कहा जा रहा है कि वार्ताकारों से प्रदर्शनकारियों की जो बातचीत हुई है उसमें किसी तरह का कोई हल नहीं निकला है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी की मांग की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि इससे यमुना नदी की सफाई को गति तेज होगी और राष्ट्रीय राजधानी में बिजली और जलापूर्ति के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा सकेंगे। सीएम योगी ने प्रदेश में आकाशीय बिजली से जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। ट्वीट करके सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वो बदले मौसम में अपना ख्याल रखें। सीएम ने कहा कि मौसम ने अचानक ठंड से करवट ली है, हल्की बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, ऐसे में आप सब सजग रहें और अपना ख्याल रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स पर दरगाह में चादरपोशी के लिए शुक्रवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को चादर सौंपी है। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट राहुल महाजन आजकल सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में रहने की वजह है एआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान के विवादित बयान पर राहुल का जवाब। पठान ने ये बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि कौन है वारिस पठान, जिस गली जिस नुक्कड़ में बोले आऊंगा, अकेला आऊंगा और बताऊंगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन है। जब तक ऐसे दो कौड़ी के नेता किस समाज का नेतृत्व करेंगे, समाज प्रगतिशील नहीं बन पाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा है कि ताजमहल 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे से आगंतुकों के लिए बंद रहेगा। एएसआई ने कहा है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए ताजमहल को सोमवार दोपहर 12 बजे से जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा। बलिया जनपद के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि अवैसी देश का दुश्मन है, अगर उनका डीएनए टेस्ट करा दिया जाए तो उनकी आस्था पाकिस्तान में बसती है, वो जिन्ना की तरह इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पहुंचने को तो हम चार पर पहुंच गए, लेकिन बुलंदशहर की बेबस बेटियां बिना बुर्के के कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रही हैं। खुर्जा के सराय मोहल्ला मुर्तजा की छात्राओं का बिना बुर्का पहने घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। इतना ही नहीं, छात्राएं जब कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती हैं तो मनचले छात्राओं को धमकी देते हैं कि बुर्का पहनकर कॉलेज जाओ नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही पढ़ेंगी बेटियां, क्या इसी तालिबानी सोच के साय में आगे बढ़ पाएंगी बेटियां। सुल्तानपुर के हलियापुर थाना क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के झोपड़े पर आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया जबकि 3 अन्य को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गोंडा में अंतर्राज्य हिस्ट्री टीचर ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाते हुए गांव के 4 लोगों को नाजायज मुकदमे में फंसा दिया था, लेकिन गनीमत रही कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो जिस महिला की हत्या की बात कही जा रही थी वो महिला नेपाल बॉर्डर से पुलिस के हाथ लग गई, जो अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर घर से भाग गई थी। मामला मिर्जापुर के पंडरी थाना क्षेत्र का है, जहां से 2 महीने पहले एक दुकान से 1 से 8 महीने का बच्चा गायब हो गया था। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी महिला को बच्चा न होने के कारण बच्चा चुराया गया था।
बरेली की चमत्कारी गर्ल सीता पर बनी लघु फिल्म बरेली की बेटी बनकर तैयार हो गई है। अभिनव शुक्ला ने फिल्म का निर्देशन किया है। राष्ट्र स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म सुर्खियां बटोर रही है। अलीगढ़ के बनादेवी थाना क्षेत्र में सके भांजे ने 40 वर्षीय मामा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। पैसे के लेन देन को लेकर भांजे मामा की हत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भांजे को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आगरा आने से पहले एक बार फिर ताजमहल को तेजो महल बताने वालों की आवाज उठने लगी है। हिंदुवादियों ने महाशिवरात्रि पर तेजो महल पर आरती और जलाभिषेक किया। ये पूजा अर्चना प्रशासन को जानकारी दिए बिना की गई। हिंदुवादियों का कहना है कि दोनों देशों के संबंध हो मधुर, इसलिए जलाभिषेक किया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार छात्र को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। छात्र पेपर देखकर वापस लौट रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर हालत में घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर इलाके में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के रहने वाले युवक की पुराने रंजिश के चलते ट्रक मालिक ने बहाने से बुलाकर हत्या कर दी और शव जौनपुर में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में काम से वापस लौट रहे युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गोली मारने की वजह युवक की दो पत्नियों के बीच विवाद बताया जा रहा है। सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाने वाला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जल्द ही नई पहचान हासिल करने जा रहा है। भूवैज्ञानिकों ने यहां दो जगह सोने के अयस्क खोजे हैं। जानकारी के अनुसार सोनभद्र में 3000 टन सोने के अयस्क का खजाना है। इतनी मात्रा में अयस्क से करीब 1500 टन सोने का खनन किया जाएगा। लखनऊ में पुलिस लाइन में एक सिपाही ने खुद को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली मारने वाले सिपाही का नाम अनुप तिवारी बताया जा रहा है। आसपास के लोग अनुप तिवारी को घायल हालत में ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने अनुप तिवारी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। गाजियाबाद की टोनिका सिटी पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ठग फर्जी तरीके से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी लिया करते थे। ये गैंग अब तक तकरीबन 300 लोगों को ठग चुका है। वहीं इस गैंग का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिरोजाबाद के थाना लाइनपार क्षेत्र में 4 दिन से लापता बालक का शव निर्माणाधीन मकान के टैंक में तैरता मिला। शव मिलने से इलाके में गम का माहौल। परिजनों ने पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। बहराइच में ग्राम प्रधान पर दबंगई का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार की शिकायत करने से नाराज ग्राम प्रधान ने एक ग्रामीण की जमकर पिटाई कर दी। प्रशासन के सगे रिश्तेदारों पर युवक को बांधकर लाठी डंडों से पिटाई करने का आरोप लगा है। ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीण ने आरटीआई लगाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म के बाद 9 साल की मासूम की हत्या के मामले में एडीजी जोन लखनऊ गांव पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिवार वालों से मिलकर उन्हें ढांढस बताया और घटना की जानकारी दी। आगरा में एक ऑटो ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला थाना एतमादुल्ला क्षेत्र का है। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस ने सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आगरा पुलिस ट्रंप की सुरक्षा में किसी तरह की कोई भी चूक नहीं छोड़ रही है। कल पुलिस ने सीआरएसएफ के साथ मिलकर आगरा की सड़कों पर पैदल मार्च किया था।
आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने आज राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में लगी है। तभी राज्य सरकार आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे रही है कि आरक्षण चाहे नियुक्ति में हो या फिर पदोन्नति में, ये मौलिक अधिकार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर बीके पांडे ने ये बात स्वीकारी है कि मऊ जिले में एक पेपर की सॉल्व कॉपियां सोशल मीडिया में आउट हुई थी, जिसकी कुछ सॉल्व कॉपियां बाहर भी पकड़ी गई थी। विभाग ने दावा किया है कि एक से ज्यादा जनपदों में इंटर भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट परिसर के दक्षिणी गेट पर नगर पालिका के सामने एक पराग डेयरी के संचालक के जरिए बगल की खाली जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लोगों ने पालिका चेयरमैन बबीता जसवाल से की, जिसके बाद एसडीएम सदर रामजी लाल मौके पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहे कब्जे को दहाने का आदेश दिया। देखते ही देखते नगर पालिका की जेसीबी ने अवैध कब्जा दहा दिया। मथुरा के थाना राया में एक युवती ने अपने ही सगे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर युवती के भाई ने उसके साथ रिश्तेदार के यहां जबरदस्ती की। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। नगर पालिका के प्रभारी ईओ सीमा तोमर ने पालिका अभिलेखालय की दीवार पर पुलिसिया रंगों वाली बैकग्राउंड में एक बोर्ड पेंट कराया है। इसमें गुनाह और उसके लिए सजा का उल्लेख बड़े बड़े शब्दों में किया गया है। इस पर 12 धाराएं अंकित है। सरकारी कार्यालयों में जबरदस्ती प्रवेश करना भी शामिल है। गाजीपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जहां 21 हिंदू जोड़े विधि विधान के साथ साथ फेरे लिए, वहीं एक मुस्लिम समाज की दंपति ने भी निकाह को कबूल किया। इतना ही नहीं, निकाह करने के बाद सामूहिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुबारक अली ने नगमा को वरमाला भी पहनाई और साथ ही मंगलसूत्र भी बांधा। मोदी सरकार ने किसानों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए देश के हर जिले में मृदा परीक्षण के लिए केंद्र खोले थे, लेकिन तहसील स्तर पर स्थापित इन परीक्षण केंद्रों में स्टाफ की कमी के चलते लाखों की मशीनें धूल खा रही हैं। ऐसे में सरकार की योजना फेल नजर आ रही है। गाजीपुर में दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क पोलियो कैरेटिव सर्जरी शिविर का आयोजन आज से होगा। इसकी सूचना जिलाधिकारी गाजीपुर ओम प्रकाश आर्य ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि 0 से लेकर 24 वर्ष के दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क पोलियो कैरेटिव सर्जरी शिविर का आयोजन किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में कृषि विभाग मनमाने ढंग से काम कर रहा है। विभाग गन्ना माफियाओं से मिलकर पैसा लेकर मनमाने ढंग से पर्ची बनाने का काम कर रहा है। गन्ना माफिया और गन्ना पर्यवेक्षक ईश्वरचंद लेन देन का वीडियो उनके कार्यालय में मौजूद किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। इससे पहले 3 C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो प्लेन पिछले 4 दिनों में अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इनमें सुरक्षा के से जुड़े उपकरण हैं। इसमें ट्रंप का आधिकारिक हेलीकॉप्टर, मरीन वन और भारी भरकम SUV व्हीकल है। ट्रंप जहां जहां अहमदाबाद में जाने वाले हैं, वहां पर अमेरिकी सिक्योरिटी गार्ड पहुंच चुके हैं। चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण जेलों में भी फैल गया है। इस विषाणु से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2200 से भी ज्यादा हो गई है। इस बीच देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को शुक्रवार को चेतावनी दी है कि इस घातक विषाणु का संक्रमण अभी चरम पर नहीं पहुंचा है। आयुष्मान खुराना अपने ही स्टाइल में फिर से एक नए विषय पर जबरदस्त फिल्म लेकर आए हैं। शुभमंगल ज्यादा सावधान में दूसरे कलाकारों ने भी जबरदस्त अभिनय किया है। असल में शुभमंगल ज्यादा सावधान के केंद्र में समलैंगिक रिश्तों की मर्यादा को रखा गया है। पूरी फिल्म बिना किसी गलती के समलैंगिक रिश्तों को बयां करती है।
आयुष्मान खुराना की कॉमेडी गे फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों से तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल ही रहा है, साथ ही इंटरनेशनल स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल ब्रिटिश एक्टिविस्ट पीटर गैरी टैचर ने शुभ मंगल ज्यादा सावधान से जुड़ा एक ट्वीट शेयर किया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने लिखा है ग्रेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत के दौरे पर हैं। इससे पहले जानकारी मिली है कि ट्रंप और अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप के साथ उनकी बेटी और दामाद भी इस दौरे पर आएंगे। फिल्म स्टार और पूर्व लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। शत्रुघ्न सिन्हा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लाहौर की एक शादी का है, जहां बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के बिगड़े रिश्तों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा गुपचुप तरीके से लाहौर गए। एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी गई है। पाकिस्तान जून 2020 तक ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा। इस्लामाबाद को नसीहत दी गई है कि अगर वो आतंकवाद समेत 25 पॉइंट वाले एक्शन प्लान को पूरा नहीं करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इंस्टाग्राम पर प्रियंका के 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। ऐसा अभी तक सिर्फ दो भारतीय लोगों ने किया है। प्रियंका से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ही ये कारनामा कर सके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। वो एक बार फिर से मां बन गई है। सरोगेसी के जरिए शिल्पा शेट्टी के घर बेटी ने जन्म लिया है। सोशल मीडिया पर शिल्पा ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि बेटी का जन्म 15 फरवरी 2020 को हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम को करारा झटका लगा है। टीम की ओपनर स्मृति मंधाना फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गई। ये वाकया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी के दौरान पहले ही ओवर में हुआ। हाथ में चोट लगने के बाद मंधाना मैदान से बाहर चली गई। उनकी चोट के बारे में कोई नई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी मेहमान टीम इंडिया खराब शुरुआत से उबर नहीं सकी और पूरी टीम महज 165 रनों पर सिमट गई। दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज टीम के स्कोर में 43 रन ही जोड़ सके। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सर्वाधिक 46 रन बनाए। महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और भारत ने उद्घाटन मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से बात दे दी है। 28 साल की पूनम यादव ने अपने दम पर पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। पहले मैच में पूनम ने 19 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत को मैच जिताने में पूनम ने अहम भूमिका निभाई है।